नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रितांबरा आपके साथ। समस्तीपुर में जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस 10 नंबर रेलवे गुमटी पर हादसे का शिकार हो गई। दरअसल बखरी ढाला के पास गुमटी से गुजर रही एक जेसीबी से तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर हो गई। हादसे में जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रेन और जेसीबी के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस वक्त पोकलेन पार कर रही थी, इसी दौरान दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में जानकी एक्सप्रेस वहां पहुंच गई। अचानक ट्रेन के आने से पोकलेन चालक को संभालने का मौका नहीं मिला और हादसा हो गया। इधर दुर्घटना की खबर मिलते ही समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जी तो आपको बता दें कि समस्तीपुर के जयनगर में जानकी एक्सप्रेस 10 नंबर रेलवे गुमटी पर हादसे का शिकार हो गई, जहां पर गुमटी से गुजर रही एक जेसीबी ने तेज रफ्तार ट्रेन में टक्कर मार दी। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू जुड़ चुके हैं। पप्पू, एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है अभी जहां पर जेसीबी ने टक्कर मार दी, क्या कुछ अपडेट है अब तक वहां? जी मैं बता दूं कि समस्तीपुर के रोसड़ा नया नगर रेलखंड से जानकी एक्सप्रेस जेसीबी पोकलेन से टकरा गई है और उसमें पोकलेन के ड्राइवर जो है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। जी पप्पू, इसमें कितने लोगों की घायल होने की आशंका जताई जा रही है अब तक? पप्पू, अभी वहां पर अधिकारी पहुंचे, वो वहां का जायजा ले रहे हैं। वहां पे जो ट्रेन की आवागमन बंद हो गई थी, क्या वो उसे चालू करने की क्या बात कही जा रही है? जी लगता है हमारा संपर्क अपने सहयोगी से टूट चुका है। इस खबर पर हम अपने सहयोगी से जुड़े रहेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रेन जो जानकी एक्सप्रेस है वो आ रही थी और उसमें जेसीबी की टक्कर हो गई है, जिससे इंजन के परखच्चे उड़ गए और इसमें काफी लोग भी घायल हुए हैं। बरसात जैसी भी है सबसे बड़ी।